वेलकम वेलकम टू माय चैनल, वेलकम सबको मेरी तरफ से सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं तवा कीमा, जिसके लिए हमारे पास ये इंग्रेडिएंट मौजूद है। जो ये हमारे पास कीमा है जो कि तकरीबन हाफ के जी होगा, और ये हमारे पास टमाटर है जिसको हमने चॉप कर लिया। ये हमने एक ही टमाटर लिया, और ये हमारे पास आधा आनियन है। इसके अंदर ऑनियन इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, थोड़ा कम ही इस्तेमाल होता है। और ये हमारे पास 4 चिलीज़ हैं, और इनको हमने कुछ को ऐसे आप भी काट लें, इनको ऐसे ऐसे हमने इसको काट लिया, और फिर हम इनको चॉप करेंगे। और इधर हमारे पास गार्लिक भी है और जिंजर भी है, इन सबको हम मोटा सा ना ज़रा चॉप कर लेंगे, रफली चॉप होगा। और फिर उसके बाद हम इनसे बनाएंगे, ऐसे करके इसको काट लें। और अब मैं इसको चॉप करती हूँ, ये मेरी रेडी हो गई है। टोमेटो को हम चॉप नहीं करेंगे, सिर्फ हम यही वाले जो चीज़ें इन्हीं को सिर्फ हम चॉप करेंगे। ये इसमें डाल लें, बस हम इसको रफली चॉप करेंगे। और इधर हमारे पास जो है नमक और रेड चिली और पिसा हुआ सूखा धनिया और ज़ीरा और हल्दी मौजूद है। अभी सिर्फ हम जब इसको बनाएंगे तो सिर्फ इसके अंदर मिर्च और नमक डालेंगे, और बाकी बताएंगे हम मसाले हमने कब और कैसे यूज़ करने, बाकी चीज़ें हम इसकी बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये हमने इसको ग्राइंड कर लिया, तो अब हम इसको कुक करते हैं। ये देखें, ये तवे के ऊपर हमने कीमा सारा रख लिया, और अब हम इसके ऊपर जो लहसुन अदरक का हमने पेस्ट तैयार किया था वो पेस्ट ऐड करते हैं। ये देखें, हमने जो लहसुन अदरक सब्ज मिर्च था, ये इसका जो पेस्ट है ना, ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो अब इसके अंदर जो है हम थोड़ा सिर्फ सॉल्ट और हल्दी ऐड करेंगे। ये ग्रीन चिली की वजह से आपको ग्रीन ग्रीन ज़्यादा फील हो रहा है, लेकिन ये कुक होने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये हमने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, और ये हमारे पास हल्दी है जो हम इसके अंदर ये हल्दी को ऐड कर रहे हैं, और इसके अंदर हम ग्रीन जो सब्ज़ सुरख मिर्च है वो भी ऐड कर देते हैं। ये हमने इसके अंदर रेड चिली ऐड कर दिया, और बिल्कुल इसमें थोड़ा सा अब जो हमारे पास टमाटो है वो ऐड करेंगे हम इसके अंदर। ये देखिए, इसमें जो ये पानी है ना, अब इस पानी को हम ड्राई कर लेते हैं। ये कीमा बिल्कुल कटाकट की तरह तैयार होगा, वो भी ऐसे ही बनती है। बस रफ का ये होता है कि चिकन का जो साइज़ या मटन होता है उसके ज़रा पीसीस बड़े बड़े होते हैं। तो हम इसका पानी ड्राई कर लेते हैं। पानी ड्राई होता है तो इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऑयल ऐड करती हूँ। ये देखें, हमारा जो है ना, अब ये पानी ड्राई होना शुरू हो गया, तो इसके अंदर हम ये ऑयल ऐड करें। हम अंदाजे से ऐड करें, आप इसके अंदर भी अपने मुताबिक जितना आपका चिकन हो का कीमा हो आप ऐड कर लें। हमने तो तकरीबन 2 टेबल स्पून होगा जो मैंने इसके अंदर जो है ना ऑयल को ऐड कर दिया। देखिए, ये अब हमारा ये तैयार होना शुरू हो गया। और अब हम इसके अंदर जो है ना सूखा धनिया ऐड करेंगे। उस वक्त हमने इसके अंदर ऐड नहीं किया, हम सूखा धनिया ही ऐड करेंगे। और इसके अंदर हम क्या कहते हैं ज़ीरा ऐड करेंगे। जब बिल्कुल रेडी हो जाए तो आप ये दोनों चीज़ें जो है ना फिर इसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि फिर इसका टेस्ट जो होगा ना वो फिर ज़बरदस्त टेस्टी होगा। तो बस अब हम इसको थोड़ा सा और इसकी भुनाई करके तो सर्व करते हैं। ये देखिए, हमारा जो तवा कीमा है ये अब तैयार हो गया। हमने इसको ऐसे ही सर्व किया ट्रेडिशनल तरीके से, ताकि पता लगे कि ये हमने तवे पे ही इसको रेडी किया, ये बहुत टेस्टी बना है। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।